इंडिया और इंग्लैंड के इस हाई वोल्टेज टेस्ट मैच में पूरी दुनिया ने शांत स्वभाव के धोनी को पहली बार गुस्से में देखा। जब टीम इंडिया 94 के स्कोर पर अपने 4 विकेटों को खो चुकी होती है, तब धोनी क्रीज पर आते हैं और राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर पार्टनरशिप की नींव रखते हैं। लेकिन जब धोनी थोड़े सेट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए फ्लिंटॉप के हाथ में बॉल थमाई जाती है। इंडिया को बैकफुट पर देखकर फ्लिंटॉप धोनी को एक बाउंसर मारते हैं जो कि सीधा जाकर धोनी के हेलमेट पर लग जाती है, जिससे धोनी थोड़े चोटिल भी हो जाते हैं। लेकिन इस बॉल पर धोनी हंसकर फ्लिंटॉप को इग्नोर कर देते हैं। चोट ज्यादा गंभीर न होने के कारण कुछ देर बाद शेर वापस लौटता है, लेकिन फ्लिंटॉप अपनी बदमाशी फिर से दोहराते हैं और धोनी को डराने के लिए एक और बाउंसर डाल देते हैं। लेकिन फ्लिंटॉप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने घायल शेर से पंगा ले लिया है। धोनी इस बाउंसर बॉल पर एक कसकर चौका मारते हैं और अपना रिवेंज पूरा कर लेते हैं। धोनी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।